स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर नंबर 11 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। क्या है स्टूडेंट? लिंग विद्यालय तथा समाज, जिसके अंदर स्टूडेंट आज हमारा लेक्चर नंबर है 4। लेक्चर नंबर 4 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट हमने किया कि जो सतत विकास है उससे आपका क्या अभिप्राय है, महिलाएं और सतत विकास पर टिप्पणी लिखिए, जिसके अंदर मैंने आपको पॉइंट क्लियर करवाया कि सतत विकास है क्या चीज, जिसके अंदर मैंने बताया कि जो वर्तमान पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ जो भावी पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, उनको भी लाभ मिले और सतत विकास के लिए मनुष्य को जो क्या है अमूक परियोजना के अंदर जो कार्यक्रम दिन दिन नियोजित किए जा रहे हैं, कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, उनसे संबंधित किन मुख्य तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए और वर्तमान संदर्भ में सतत विकास को प्रयास करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं और महिलाएं तथा सतत विकास, ये हमने किया स्टूडेंट लेक्चर नंबर 3 के अंदर। आज लेक्चर नंबर 4 के अंदर स्टूडेंट हम करने जा रहे हैं कि पर्यावरण के संरक्षण के रूप में महिलाओं की विशेष भूमिका का वर्णन कीजिए, कि हम इसे एक्सप्लेन करेंगे कि स्टूडेंट हमने अपने पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए, पर्यावरण को संभालने के लिए हमें किन किन जो उपकरण है, जो वस्तुएं हैं, जो हमारे घर पे वेस्ट मटेरियल है, उनका उपयोग हम किस तरीके से करें। अगर हम उनका उपयोग एक सदुपयोग के द्वारा कर रहे हैं, एक अच्छे तरीके द्वारा कर रहे हैं, तो हमारे पर्यावरण को हम प्रदूषित होने से, जल को प्रदूषित होने से और जो वनों का कटाव है उनको, उनके काटने पर क्या है रोक लगाई जाए और अधिक से अधिक पौधारोपण की तरफ ध्यान दिया जाए। तो स्टूडेंट हम क्या है इन चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसकी चीजों के अंदर हम जानेंगे कि जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं उनका अलग अलग क्षेत्र के अंदर, मान लो आप कि पुरुष का अलग क्षेत्र के अंदर कैसा योगदान है और महिलाओं जल वन और क्या है इनको प्रदूषित करने के लिए किस प्रकार एक पर्यावरण के संरक्षण के रूप में, पर्यावरण को सुरक्षा के रूप में अपनी एक क्या है विशेष भूमिका निभाती हैं। तो स्टूडेंट पहले मैं आपको बताती हूँ कि भूमिका जो पर्यावरण संरक्षण से रिगार्डिंग है स्टूडेंट, तो इसमें हम बात करते हैं, अगर हमने अपने पर्यावरण के संरक्षण एवं प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है स्टूडेंट की जो हमारे घर के अंदर क्या है, मान के चलो जो कूड़ा करकट से विभिन्न कोई भी क्या है घास है, बगीचा है, आप मान के चलो चाहे और कोई हमारे घर के अंदर हम वेस्ट बोतल हैं, बोतलों का उपयोग करते हैं, चाहे कोई और अन्य क्या है चीजें हैं, उनके नवीनीकरण के लिए, उनके पुनर्चक्रीयकरण के लिए हमें क्या है उनको एक अपने एक अलग स्थान पर रखना चाहिए, ताकि क्या है हम इन वेस्ट चीजों का उसके हिसाब से ही प्रयोग करें और हमारे जो घर के अंदर क्या है सिंक मान के चलो आप, कागज हैं, बोतलें हैं, प्लास्टिक हैं आदि का क्या है पुनर्चक्रीयकरण क्रिया हेतु इन्हें अलग अलग एकत्रित करना चाहिए। और स्टूडेंट जो वन्य जीवों के चमड़े सींग इत्यादि में निर्मित वस्तुओं का उपयोग न करें, साथ ही साथ परिवार के अंदर जो जनसंख्या विस्फोट का कारण है उसे भी क्या है उचित बनाए रखने के लिए, सीमित बनाए रखने के लिए हमें विशेष ध्यान देना चाहिए स्टूडेंट। वन्य जो जीव जंतु हैं, जो वन्य प्राणी हैं, चाहे आप लगा के उनके प्रति क्या है हम क्रूरता ना दिखाएं, उनके प्रति क्या है हमें जैसे मानव के साथ बिहेवियर करता है वैसे ही उनके साथ क्या है उन्हें भी प्राणी समझकर उनके साथ वैसा ही बिहेवियर किया जाए। तो ऊर्जा के वैकल्पिक जो स्रोत हैं, ऊर्जा के जो इलेक्ट्रॉनिक स्रोत हैं, उनका भी उपयोग हम सदुपयोग तरीके से करें, ये ध्यान चीजें रखते हुए। तो स्टूडेंट हम इसी के अंदर पॉइंट बताती हूँ, मैं आपको ऐड करती हूँ कि जो हमारे घरों में आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले जो रसायन हैं, कीटनाशकों इत्यादि का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, इन्हें नालियों के अनावश्यक रूप से न बहाएं और पानी का भी हम क्या है कम से कम प्रयोग करें और पानी के घरों को आसपास जो हमारे पानी घरों के अंदर नालियों के अंदर जो हम गलियों के अंदर देखते हैं आसपास इकट्ठा हो जाता है, तो वो सारा क्या है चीज स्टूडेंट
वो सारा क्या है, बीमारियों का घर है। तो हम हमारे चारों तरफ, घरों के चारों तरफ जो हम सामने भी गलियों के अंदर देखते हैं कि जो कूड़ा करकट है, पानी है, इकट्ठा होता है, तो हम जो भी वहां से गुजरता है, तो ये क्या है, हमारे घरों के साथ साथ हमारे जो क्या है, बीमारियों लगाने के लिए लगा लो आप, क्या है ये हमारे पर्यावरण को भी प्रदूषित करता है। और इससे क्या है, हम आते जाते जब यहाँ से गुजरते हैं तो हम सांस लेते हैं, तो वहां पे जो भयानक कीटाणु होते हैं वो क्या है, सांस के द्वारा हमारे अंदर जाते हैं, जिससे क्या है, हम अनेक बीमारियों का शिकार बनते हैं। तो हमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए इन चीजों का क्या है, ध्यान रखना चाहिए। जो पानी है, जो कूड़ा करकट है, उनको अलग अलग उनकी जगह पर ही क्या है, इकट्ठा करना चाहिए, और समय आने पर क्या है, इसे उठवा देना चाहिए, ताकि हमारे हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सके और इसका क्या है, हम कम से कम प्रयोग करें। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं, अगर प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर बात करें, जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे हमने घर से कुछ ही दूरी तय करनी है, कोई काम के लिए जाना है, तो हमें क्या है, पैदल या साइकिल का प्रयोग करना चाहिए। अगर हमने घर से अधिक दूरी तय करनी है तो ही हमें क्या है, अन्य जो संसाधन है, अन्य जो वाहन है, उनका प्रयोग करना चाहिए। अगर हम क्या है, इनकी जो यूजेबल है हमारे लिए, इनका हम वर्तो करते हैं, तो अगर हम इनका कम से कम वर्तो करेंगे, हम पैदल चल के जाएंगे, साइकिल के द्वारा जाएंगे, तो जो हमारे बाजू के अंदर प्रदूषण हो रहा है वो भी कम होएगा। अगर हमने ज्यादा ही दूरी तय करनी है तो फिर हम क्या है, गाड़ी, मोटरसाइकिल आदि का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने क्या है, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। वो पर्यावरण को सुरक्षित हम कैसे रख पाएंगे, अगर हमारे पर्यावरण के अंदर हमें पीने के लिए जल अच्छा मिलेगा, बिना प्रदूषण रहित मिलेगा, बिना बीमारियों के मिलेगा। अगर हम जिस एनवायरमेंट के अंदर रहते हुए सांस ले रहे हैं, उस एनवायरमेंट के अंदर क्या है, वायु के अंदर इतना प्रदूषण फैला हुआ है, तो हम कैसे सुरक्षित और अपने पर्यावरण को किस प्रकार से रख सकते हैं, नहीं रख सकते। तो इसी प्रकार जो प्राकृतिक संसाधन है, तो उनका दूरी के हिसाब से ही हमें क्या है, प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार स्टूडेंट, अगर हम बात करें खेतों के अंदर, जो जल के ऊपर बात करते हैं, जो हम सिंचाई करते हैं, खेतों को पानी देते हैं, तो क्या है, जितनी जरूरत है उसको उसके हिसाब से ही पानी देना चाहिए। तो यही नहीं होता कि जो खेतों के अंदर खाले होते हैं या कोई अन्य नालियां बनाई होती हैं, वहां पे पानी रुका रहे और जो उसके ऊपर क्या है, मक्खी मच्छर मंडराता रहे, तो ये भी क्या है स्टूडेंट, बीमारियों का ही घर है। तो कितनी फसल को कितने पानी की जरूरत है, कितने उसके अंदर खाद्य पदार्थ हमने डालने हैं, अगर हम हद से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा उनकी वर्तो करेंगे, तो हमारे जो फसल है हमारे घर पर ही आएगी। इससे क्या है, एक तो वहां पे जो खेतों के अंदर जो जानवर है, जो जीव जंतु हैं, वहां पे घास फूस चरते हैं, तो स्टूडेंट इससे क्या है, एक तो उनको भी क्या है, नुकसान पहुंचता है। दूसरा, अगर हम हद से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा उसकी वर्तो करते हैं, तो जो खाना, जो अन्न है, वो हमारे घर पर आएगा और वो सारा क्या है, हम अपनी जरूरत के हिसाब से भी बरतेंगे, और इससे क्या है, हमारे ऊपर क्या है, बीमारियां अटैक करेगी। तो इस प्रकार स्टूडेंट क्या है, जो प्राकृतिक जल संसाधनों जैसे झरनों, नदियों, तालाबों इत्यादि में जो धुलाई होती है, हम मृत पशु हमें मिलते हैं, तो इनके लिए भी क्या है, गवर्नमेंट को या मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए कि जो नहरें के अंदर हम देखते हैं कि उनके किनारों पर बैठी औरतें या कपड़ों की धुलाई कर रहे हैं, मृत शरीर हमें मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो इनका पानी भी, जो नदियां हैं, जो झरने हैं, जो नहरें हैं, उनका कहीं ना कहीं तो हमें जो क्या है, पानी पीने को भी मिलता है, खेतों के अंदर भी जाता है। तो ये सारा क्या है स्टूडेंट, बीमारियों का घर है। तो हमें क्या है, इन पानी की भी हमें सुरक्षा करनी है और हमें उसके हिसाब से ही इसकी वर्तो करनी है और इसको सुरक्षित रखना, इसको अच्छा रखना है, ये भी हमारे ऊपर ही है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, जो हमें मृत शरीर मिलते हैं, तो उसके लिए भी क्या है, लकड़ियों, ईंधन आदि का हम प्रयोग क्या, उसको जलाने के लिए करते हैं। तो स्टूडेंट हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा उनकी जो मृत जो शव हैं, उनको भी जलाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए, लकड़ियों का कम से कम प्रयोग करें, ताकि जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर प्रदूषण कम फैले और हम अच्छी श्वास ले पाए। तो ये स्टूडेंट हमारा हुआ भूमिका के रूप में। अब हम बात करते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण के रूप में एक व्यक्ति पुरुष की क्या भूमिका है।
तो हम बात करते हैं स्टूडेंट कि पर्यावरण संरक्षण में एक व्यक्ति की भूमिका। तो इस एक व्यक्ति की भूमिका को हम स्टूडेंट एक्सप्लेन करेंगे कैसे जो एक व्यक्ति है पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अपनी एक विशेष भूमिका निभाता है। तो बात करते हैं स्टूडेंट जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक वातावरण में वे सभी तत्व हैं कि जो मानव सेवा की क्या है क्षमता रखते हैं। मानव की सेवा कैसे करनी है, मानव को कैसे क्या है सेवा के रूप में उसको क्या है सेवा की क्षमता मनुष्य के अंदर है, तो ये मानव के विकास के लिए उपयोगी और आवश्यक संसाधन है। तो स्टूडेंट इनका प्रयोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मानव क्या है करता है। इस प्रकार जो प्राकृतिक संसाधन है तो सभी लोग उसको क्या है काम की वस्तु समझते हैं, किन्हीं लोगों द्वारा इनका सदुपयोग किया जाता है और किसी लोगों द्वारा इनका क्या है दुरुपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए भी क्या है कुछ कानून बनाए गए हैं, वो कानून मनुष्य के द्वारा मनुष्य के लिए ही बनाए गए हैं। तो स्टूडेंट अब हम हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है जो हमारा पर्यावरण संरक्षण है हमने इसको कैसे संभाल कर रखना है और मनुष्य का इस संरक्षण के लिए किस प्रकार क्या है योगदान है और किस प्रकार क्या है एक व्यक्ति क्या है प्राकृतिक संसाधनों में निम्न प्रकार अपनी भूमिका निभा सकता है, वो भूमिका किस प्रकार निभा सकता है स्टूडेंट हम क्या है पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। तो इसके अंदर स्टूडेंट मैं पॉइंट बताती हूँ कि एक व्यक्ति जो प्राकृतिक है जो हमारी नेचर है उसके संरक्षण के रूप में उसकी सुरक्षा के लिए किस प्रकार भूमिका निभाता है। तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता रखकर कि पर्यावरण को मैंने बचाना है उसके प्रति जागरूकता रखकर वनों को नाशक होने से बचाव कर कि क्या है कई बार आग लगा देते हैं खेतों के अंदर, इससे क्या है वो फसल या हम वेस्ट प्राणी की बात करते हैं वो जलने के साथ साथ उससे क्या है वनों को भी नुकसान पहुंचता है जो वृक्ष होते हैं। फिर आ जाता है पौधारोपण द्वारा कि अधिक से अधिक पौधारोपण लगाया जाए, अन्य स्थानों द्वारा पशु चारण न करवाकर कि जहां पशु चराने की जगह है एक सीमित जगह है वहीं पर क्या है जो पशु चरण है वहीं तक रखा जाए, अन्य स्थानों पर जगह जगह उसको ना घुमाए, इससे क्या है पशु खाने के साथ साथ जो क्या है वेस्ट जो एक्स्ट्रा नुकसान भी करती है। फिर बात आती है नवीनीकरण संसाधनों का अधिक प्रयोग करके, खनन द्वारा प्राप्त खनिजों का विवेकपूर्ण प्रयोग करके खनिजों का अधिक दोहन ना किया जाए। तो इस प्रकार स्टूडेंट इसके अंदर हम और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। फिर है जो कृषि के रासायनिक उर्वरक हैं जो पदार्थ हैं, फिर उसके अंदर क्या है जैवनाशी साधनों का प्रयोग कम से कम किया जाए, जो कृषि के अंदर खेती के अंदर ऐसे हम क्या है हानिकारक पदार्थ उपयोग करते हैं जो हमारे सेहत के लिए पशुओं के लिए जो भी इस क्या है उपयोग करते हैं खेती का, बेशक वो अनाज है चाहे खाने की और चीजें हैं सब्जी भी हमारे खेतों के अंदर ही उगती है, तो उसके अंदर हम कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थों का प्रयोग कर देते हैं जो क्या है हमारे लिए बहुत भयानक है। अगला पॉइंट स्टूडेंट आप इसके अंदर ये भी ऐड कर सकते हो कि ईंधन के वैकल्पिक साधनों का उपयोग करके, फिर आता है वाहनों के सलाइंसर और फिल्टर आदि लगाकर वायु प्रदूषण पर जितना हो सके कम से कम रोक लगानी चाहिए। फिर आता है जो वर्षा एवं भूजल है, भूजल का उचित प्रयोग और संरक्षण करके व्यर्थ बहने से बचाकर जो वर्षा का जल है उसको किस प्रकार हम क्या है सेव कर सकते हैं, किस प्रकार हम सुरक्षित रख सकते हैं और वो जल जो इकट्ठा किया गया है उसको कहाँ हमने क्या है यूज करना है और कहाँ उसका फायदा उठाना है, इस प्रकार भी जो प्राकृतिक हम संरक्षण के अंदर एक मानव अपनी भूमिका निभा सकता है। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट इसी के अंदर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु बनाए गए जो कानून है प्रकृति से रिगार्डिंग जो भी कानून बनाए गए हैं उसका पालन कौन करेगा, स्टूडेंट उसका पालन भी हम करेंगे। तो अधिक से अधिक जो कानून बनाए गए हैं उसका पालन हमें करना चाहिए। अगला पॉइंट स्टूडेंट आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो कि दो से अधिक बच्चे पैदा न करें, क्योंकि छोटा परिवार है वो सुखी परिवार है। अगर हम जनसंख्या विस्फोट को भी हमने एक सीमित तक रखना है क्योंकि ये भी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पर्यावरण के अंदर एक अहम योगदान देते हैं। तो स्टूडेंट छोटा परिवार क्या है सुखी परिवार है, अगर परिवार की क्या है
जो जनसंख्या लगा लो आप, चाहे सदस्यों की संख्या लगा लो अधिक है तो उसकी जरूरतों फिर उसी हिसाब से पूरी होगी। अगर हमारा परिवार छोटा है तो हम अपने बच्चों को इवन तक कि यहाँ तक कि पेरेंट्स भी अपनी हर फैसिलिटी पूरी कर सकता है और अपने बच्चों को हर एंगल से रहन सहन, उनकी वेशभूषा, उनका खान पान, उनकी शिक्षा कैसे देनी है ये भी क्या है, एक मानव के ही हाथ में है कि हमने अपने पर्यावरण के संरक्षण के अंदर उनको सेव रखने के लिए किस प्रकार भूमिका अदा करनी है। तो स्टूडेंट अभी हम पॉइंट ऐड करते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में महिलाओं का क्या योगदान है, तो पर्यावरण के संरक्षण के रूप में महिलाओं की विशेष भूमिका यहाँ पे ऐड करते हैं स्टूडेंट। पर्यावरण के संरक्षण, पर्यावरण के संरक्षक के रूप में महिलाओं महिलाओं की भूमिका। अब स्टूडेंट कि पर्यावरण संरक्षण के अंदर क्या है, पुरुषों के साथ साथ जो महिलाएं हैं, महिलाएं भी अपना रोल अदा कर रही हैं, वो किस प्रकार से अपना रोल अदा कर रही हैं। स्टूडेंट कई बार ऐसा होता है जो हमारा पुरुष प्रधान देश है उसके अंदर यही है कि जो हमारा हर एंगल से अगर कोई समाज को सवार रहा है, सजा रहा है, वो पुरुष ही है। लेकिन क्या है स्टूडेंट, वो पुरुष भी तब तक पढ़ा लिखा जा पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक उसके साथ एक पढ़ी लिखी औरत नहीं है और उसकी गृहस्थी को औरत संभाल नहीं रही है। तो स्टूडेंट जो हम बात करते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण के रूप में महिलाओं की भूमिका, अब हम बात करेंगे इसी के ऊपर सॉरी स्टूडेंट कि अन्य नीतिगत निर्णयों के समान पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भी एक विशेष भूमिका है। 21वीं सदी के प्रारंभ होने पर कह महिलाएं सभी क्षेत्रों के अंदर अपनी एक विशेष भूमिका निभा रही हैं, किंतु जो पुरुष प्रधान है उनकी मानसिकता ऐसे है, उनका मेंटल ऐसे है कि जो हम कार्य हम कर सकते हैं वो क्या है स्त्रियां नहीं कर सकती। तो इस प्रकार क्या है स्टूडेंट, यही कारण है कि आदि जनसंख्या जब उपेक्षा करी जाए तो पर्यावरण संरक्षण अभियान और संरक्षण को लागू होता है, तो यहाँ महिलाओं की भूमिका की भी क्या है हम उपेक्षा कर सकते हैं, जबकि वास्तविकता यही है कि महिलाएं पर्यावरण को क्या है पर्यावरण के संरक्षक के रूप में, विशेषकर भारतीय महिलाएं पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकती हैं। और सच्चे अर्थों में महिलाएं विशेषकर क्या है वृक्षों, जल, भूमि, वायु, सूर्य आदि की क्या है पूजा की आराधना करती हैं, क्योंकि जो उपयोग जो क्या है वर्तो पुरुष करते हैं वो महिलाएं नहीं करती। जितनी आराधना, जितनी पूजा, जितनी क्या है शक्ति महिलाओं के अंदर पाई जाती है वो पुरुषों के अंदर हमें नहीं मिलती। जो हम क्या है किसी चीज की वर्तो करना, किसी चीज की सहनशीलता आप लगा लो, चाहे आप वैसे भी काम के तौर पे लगा लो, अगर जो हमें भावनाएं महिलाओं के अंदर मिलती हैं वो पुरुषों के अंदर नहीं है स्टूडेंट। तो हमें क्या है पर्यावरण के साथ अधिक निकट हैं, तो सदैव ही ये हम आशा करते हैं कि महिलाओं में स्नेह, प्रेम, सहृदयता, सुशीलता और क्या है सहयोग एवं मातृत्व की भावना क्या है विद्यमान होती है, और वे नए केवल शिशुओं का पालन पोषण करती हैं अपितु जीव जंतु के प्रति भी अपना एक अलग से अच्छा क्या है स्टूडेंट दृष्टिकोण रखती हैं। जो भावनाएं, जो प्रेम, जो सहनशीलता, जो क्या है भावनाएं हमें महिलाओं के अंदर मिलती हैं वो पुरुषों के अंदर नहीं मिलती। गृहस्थी को कैसे चलाना है, पालन पोषण शिशुओं का कैसे करना है, और पूरी फैमिली के अंदर क्या है शिशुओं का पालन पोषण लगा लो आप, पूरी फैमिली का पालन पोषण लगा लो, वो कैसे करना है जो महिलाओं के अंदर है वो पुरुषों के अंदर नहीं है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट की जल एवं वायु संरक्षण में भूमिका क्या है महिलाओं की, क्या है स्टूडेंट की इसी के अंदर हमारा पॉइंट है जल एवं वायु संरक्षण में भूमिका। अब जल एवं वायु संरक्षण में भूमिका की हम बात करें स्टूडेंट,
पहले क्या होता था कि चूल्हों पर रोटी बनती थी, घर के जो फैमिली परिवार होते थे वो क्या है चूल्हे की रोटी ही खाना पसंद करते थे। लेकिन अगर हमने इससे क्या है जल, इससे क्या है वायु प्रदूषण होता है। अगर हम मान के चलें कि जल प्रदूषण भी, जैसे लेडीज घर पे कपड़े धोती हैं, इससे क्या है जल गलियों के अंदर जाता है। अगर हम लेडीज को सही बरतो सिखाएं कि हमने गलियों के अंदर क्या है पानी इकट्ठा नहीं करना, हमने घर के अंदर पानी इकट्ठा नहीं करना, जो पानी इकट्ठा हो रहा है वो टाइम के हिसाब से गंदा होगा, इस पर मक्खी मच्छर मंडराएंगे, और इससे क्या है हमारे हमारे ही घर के अंदर या बाहर लोग जो जहां से गुजर रही हैं, जहां से जा रही हैं, तो स्टूडेंट क्या है इससे बीमारियों का शिकार हम बनते हैं। लेकिन टाइम के हिसाब से अगर औरतों को इसको जागरूक किया जाए कि जल को हमें इकट्ठा नहीं करना, जल की बर्तो हमने कैसे करनी है, तो भी क्या है औरतें टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेती हैं और उन्हें पता होता है कि हमने इस चीज का जो प्रयोग है वो कैसे करना है। अब हम बात करते हैं वायु प्रदूषण की, इसी के अंदर कि जो जल है वायु संरक्षण में भूमिका है। वायु की बात करें तो स्टूडेंट पहले क्या है घरों के अंदर जो चूल्हे जलते थे, चूल्हों के अंदर खाना बनाया जाता था, वहां इतनी फैसिलिटी नहीं होती थी कि इलेक्ट्रॉनिक जो संसाधन है, जो सिलेंडर का प्रयोग है। लेकिन टाइम के हिसाब से जो हमारे विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली कि अब अगर हम हर औरत को उसकी फैसिलिटी दे दें, क्योंकि चूल्हों पर जो खाना बनाया जाता था इससे क्या है वो धुआं उड़ता था, धुआं बाजू के अंदर मिलता था, अगर हम सांस लेते थे तो वो क्या है इससे हम अनेक बीमारियों का शिकार होते थे। इस प्रकार क्या है हर औरत को जागरूक करना चाहिए कि हमने किस प्रकार जो क्या है उसकी बरतो करनी है, जो जल है, जो वायु है, किस प्रकार हमने इनको हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए किस प्रकार रोकना है, किस प्रकार उसे सुरक्षित करना है। तो ये सारा स्टूडेंट क्या है जो मेन भूमिका इसी के अंदर आता है। अब वन संरक्षण में भूमिका स्टूडेंट हम अगला बात करते हैं। वन संरक्षण में भूमिका, अब वन संरक्षण के अंदर भूमिका, जैसे स्टूडेंट मैंने पहले ही आपको बताया है कि वन संरक्षण के अंदर भी जो औरतें हैं इनका एक विशेष रोल होता है। जो कटाव पुरुष करते हैं वो औरतें नहीं करती। पुरुष क्या है अगर थोड़ा बहुत क्या है लकड़ी मंगवा भी लेती हैं औरतें, तो वो वनों को काटना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो औरतें होती हैं वो तो वनों को एक देवता मानकर उसकी क्या है आराधना करती हैं, या अगर उन्हें घर पे लकड़ी का यूज करना है तो वो उसकी टहनी पत्तियां इकट्ठा करके ही उसका यूज करती हैं। वो पुरुषों की तरह उसे क्या है काटती नहीं है, और जितना जल्दी जितना उचित हो सके महिलाएं क्या है इसके पौधारोपण की तरफ विशेष ध्यान देती हैं। तो इस प्रकार वो क्या है झाड़ियों, फूल जो आप टहनियां होती हैं उनको इकट्ठा करके, उनको एकत्रित करके उनको क्या है प्रयोग करती हैं वो महिलाएं ही। तो वृक्षों से क्या है फल फूल जड़ी बूटियों की आशा रखती हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट महिलाएं क्या है जो वृक्षों के प्रति अधिक अधिक क्या है सचेत है, तो उनको यह ज्ञात है कि जो वन है उनकी सांस्कृतिक धरोहर है। वर्तमान शहरी परिवेश में महिलाएं क्या है वन वृक्षों के प्रति अधिक श्रेष्ठ मानी जाती हैं। अन्य पर्यावरण अभियानों में महिलाओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर भी वृक्षों की क्या है रक्षा की है। और यही नहीं वृक्षारोपण और वन संरक्षण में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका महिलाएं निभाती हैं वो पुरुष नहीं निभाते। अगर अब हमने बात की है कि वन संरक्षण में भूमिका, मैं वन संरक्षण में अगर मैंने पहले क्योंकि जो बताया कि औरतें हैं वो क्या है वृक्षों से फल जड़ी बूटियों की आशा रखती हैं, अगर उन्हें चाहिए भी जो नीचे वृक्षों का जड़ा हुआ पत्ते घास फूस होती है वो उनसे गुजारा कर लेती है, लेकिन वनों को काटने की कोशिश नहीं करती। पुराने टाइम के अंदर हमने देखा है कि वनों को धरोहर मानकर, हमारी संस्कृति को धरोहर मानकर उन्होंने उन्हें क्या है उनकी पूजा की है, यहाँ तक कि उन्होंने अपने प्राण भी दिए हैं। इस प्रकार स्टूडेंट जो वन संरक्षण के अंदर एक महिला का योगदान है वो पुरुष का योगदान नहीं है। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ क्लियर कि पर्यावरण के संरक्षण के रूप में महिलाओं की विशेष भूमिका का वर्णन के लिए, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने बात की कि भूमिका भूमिका जिसके अंदर पहले मैंने आपको बताया पर्यावरण से रिगार्डिंग की क्या भूमिका है, तो फिर बताया कि पर्यावरण संरक्षण में एक व्यक्ति की क्या भूमिका है,
फिर जैसे मैंने अलग अलग पॉइंटों के द्वारा आपको क्लियर किया कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता रखकर वनों को नष्ट होने से बचाकर अधिक से अधिक पौधारोपण लगाकर अन्य स्थानों द्वारा पशुचारण न करवाकर कि पशुचारण वही हो जहाँ इसका क्या है सीमित जगह है सीमित एरिया है। फिर है नवीनीकरण संसाधनों का अधिक प्रयोग करके खनन द्वारा प्राप्त खनिजों का विवेकपूर्ण प्रयोग करके खनिजों का अधिक दोहन किया जाए और इसके अंदर मैंने आपको और भी बहुत सारे पॉइंट बताए। फिर बताया कि पर्यावरण के संरक्षण के रूप में महिलाओं की क्या भूमिका है, जल एवं वायु संरक्षण में भूमिका और वन संरक्षण में महिलाओं की भूमिका। तो ये स्टूडेंट हमारा यहाँ पे हुआ टॉपिक क्लियर। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।